सोनी ठीक है आप? हाँ जी हूँ। है कहाँ? लो जी वो आ गई। संभल के संभल के। आजा पुत्र आजा, संभल गया। आजो आजो शाबाश। अरे आप लोगों ने तो शुरू भी कर दिया। ओहो आओ जी बैठो सोनी जी बैठो। लवली जी ने मेरी अच्छी ड्यूटी लगा दी है। नो 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 इट्स नॉट अ कंप्लेंट, इनफैक्ट मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम लाइकिंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट। हाय मर जंगुड़ खा के। खास तौर पर दुर्गा ने सोनी के लिए बनाई है। ले सोनी ये तो ना सारी की सारी तू ही खाना। लो जी बच्चे की सेहत के लिए अच्छे है ना, ये ले। वंडरफुल बाय, आई एम इंप्रेस्ड। सास वो तो ऐसी। चेरी यू आर सो लकी टू हैव ए मदर इन लॉ लाइक हर। अरे जो अपनी बहुओं को अपनी बेटी जैसा मानती है। फैंटास्टिक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर। पुत्र तुझे याद है ना कल तुझे अपने चेकअप के वास्ते डॉक्टर के पास जाना है। साथ में कौन जा रहा है तेरे? वीर। दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है। मैं क्या जी, मैंने डॉक्टर को यहीं बुलाया है। सोनी के सारे चेकअप घर पर ही होंगे। ये तो बड़ा अच्छा काम किया तुझे। देखा तुम दोनों को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहती तुम्हारी मम्मी जी। नहीं बाकी बहुत अच्छा किया तुझे। ये मामला तो धीरे धीरे करके मेरे हाथों से फिसलता ही चला जा रहा है। मुझे इसका जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, बल्कि अभी कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, थैंक यू।
वीर, वीर आपको सोफे पे सोने की आदत नहीं है ना, प्लीज आप यहां पर सो जाइए ना। चरणजीत, तुम यहाँ इस तरह बैठकर रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैं रो नहीं तो और क्या करूं वीर? मेरी जिंदगी कैसे धराए पर आकर खड़ी हो गई है, ये तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रही हूँ? मैं समझता हूँ चरणजीत, लेकिन इस तरह यहाँ बैठकर रोने से क्या होगा? हाँ, अगर तुम पॉजिटिवली सोचोगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, और इसमें मैं खुद तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम करोगे मेरी हेल्प? कैसे, कौन सा रास्ता दिखाओगे मुझे भी? वही जो तुमने अपने लिए चुना है, इतना सब कुछ होने के बाद भी? नहीं वीर, मैं तुम्हारी तरह महान नहीं बन सकती। अब मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। और हाँ, क्या मिला तुम्हें सोनी पे भरोसा करके? ये तुम भी जानते हो और मैं भी। लेकिन मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी वीर, जब तक मुझे इस सच्चाई का पता नहीं चल जाता कि सोनी का होने वाला बच्चा किसका है। लेकिन इस बात पर भरोसा करने के अलावा तुम कर भी क्या सकती हो चरणजीत? और वैसे भी ये सच्चाई तुम साबित करोगी कैसे? मुझे हैरानी हो रही है वीर कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, पुलिस में होने के बाद भी? डीएनए टेस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा तुमने। डीएनए टेस्ट? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया चरणजीत? तुम्हारे एक बेबुनियाद शक को दूर करने के लिए मैं अपनी पत्नी का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? सवाल सिर्फ तुम्हारी पत्नी का नहीं है वीर, मेरे पति का भी है। और अब मैं डीएनए टेस्ट कराए बिना नहीं मानने वाली। और मैं कभी तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा? डर? भला मैं क्यों डरूंगा? शायद इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो वीर? चलो करवाते हैं ना डीएनए टेस्ट। अगर तुम्हारा भरोसा इतना सच्चा है तो फिर डर किस बात का? ये डर नहीं है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन वीर तुम भगवान को मानती हो तो फिर कुछ चीजें उस पर भी छोड़कर देखो, और दोबारा कभी भी मुझसे इस बारे में बात मत करना।
आइए डॉक्टर सर। वीर पुत्र, सुनिए बेटा, डॉक्टर आए हैं आपको देखने के लिए। आइए डॉक्टर सर। कैसी हो सोनी? हाँ ठीक हूँ। चलो आपका चेकअप करते हैं। वीर, तू भी यही रुकना। सोनी कैसा फील कर रही हो अभी? ठीक। वेरी गुड। कुछ वीकनेस लग रही है आपको? हाँ थोड़ी सी वीकनेस है। आपको आराम पूरा करना होगा और डाइट डाइट भी प्रॉपर लेनी होगी। चलिए आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। आप प्लीज प्लीज इसको बंद कीजिएगा। या गुड स्ट्रेट वे, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। मिस्टर वीर, अब आपका भी ब्लड सैंपल ले लिया जाए। लेकिन मेरा क्यों डॉक्टर? माँ बाप दोनों के ब्लड सैंपल देखने से अगर बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटी बनती है तो उसका पहले पता चल जाता है और वक्त रहते उसका इलाज भी किया जा सकता है। बच्चे का जन्म से पहले इलाज हो सकता है। जी डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। वेल डन डॉक्टर, वेरी गुड जॉब। I just hope आपको याद होगा कि आपको इन ब्लड सैंपल्स का क्या करना है। याद है, जिस काम के लिए मुंह मांगे पैसे दिए गए हों उस काम को भला कोई कैसे भूल सकता है चेरी जी। और हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है ये ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेजने हैं, राइट मैम? एब्सोल्युटली राइट। ओके थैंक यू डॉक्टर, यू कैन लीव। थैंक यू। ओके जी, ये पैकिंग काक लिए हो रही है। आपने मुझे बताया नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं। वैसे अचानक से आप जा कर रहे हैं? जीत, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आप जा कर रहे हैं? जीत,
जीत, मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा है, आप प्लीज मुझे जवाब देंगे? आप जा कहाँ रहे हैं? जीत, विल यू आंसर मी फॉर गॉड्स सेक? मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। पहचानती हो क्यों? तुम्हारी वजह, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने पहले ही वीर और सोनी की जिंदगी में कुछ कम जहर घोला था, जो अब तुम उसका डीएनए टेस्ट करवा रही हो। मैं पूछता हूं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये घटिया हरकत करने की? जीत को डीएनए टेस्ट वाली बात कैसे पता चली? तुम सोनी जैसी नेक और शरीफ लड़की की पवित्रता पर कैसे शक कर सकती? तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। चेहरे वाह, मुझे शर्म आनी चाहिए? क्या बात है जीत, अभी भी तुम्हें उस सोनी का ख्याल है? हाँ हाँ है, पर उसकी वजह वो नहीं जो तुम्हारा गंदा दिमाग सोच रहा है। खैर उसे छोड़ो। यू नो व्हाट चेहरे, मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम्हारी सोच कितनी गिर चुकी है, अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन तुम्हें तुम्हारी ही सोच के नरक से नहीं निकाल पाऊंगा। इसीलिए मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर, क्योंकि अगर मैं यहां रहा तो तुम्हें अपनी आंखों से यह सब करता हुआ देख मेरे हाथों कुछ ना कुछ गलत जरूर हो जाएगा। अब मैं मुंबई में ही रहूं तुमसे दूर, और अपना बिजनेस मैं वहीं से मैनेज करूंगा। जीत मुझे छोड़कर चले गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने सोनी पर सवाल उठाए। उस सोनी की वजह से आज मेरा घर भी टूट गया। अब देखना मैं क्या करती हूं। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सोनी को जाना ही पड़ेगा इस घर से और हम सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी चेरी नहीं है।